श्रुति, हाँ हाय, कितने लेट आए हो? सॉरी भैया। हाँ आज तो पूरी होमली लग रही है ये। भैया हाँ? भैया वो लोग मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई प्यार व्यार का चक्कर है। आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड की भी मदद कीजिए ना। मदद करनी है? हाँ। तो ठीक है, कर देते हैं। भैया ये लक्ष्मी, राधा, श्वेता। हाय। हाय। बचपन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, पर मैंने उससे झूठ कहा और उसके दोस्त के साथ मिलकर ड्रामा भी किया। लेकिन मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए किया, सच में। और मैं अपने नाती पोतियों को भी बताऊंगी कि वो मेरे पीछे नहीं आया था, मैं उसके पीछे गई थी। मैंने उसे आई लव यू कहा था, मैं उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी और उसे छोटे बच्चे की तरह संभालूंगी। हेलो, बस हुआ, पहले उस लड़के के डिटेल्स दो। मैं खुद बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं इनसे खुद ही बात कर लूंगी। भैया। अरे बाबा, वो बहुत ही बुरा आदमी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। उसने आपकी जितनी पढ़ाई भी नहीं की है। मैं पढ़ी लिखी हूँ ना। वो एक वेस्ट फेलो है, अनएम्प्लॉयड। मैं कमा कर पाल लूंगी। इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे शिवा। भैया बोल रहे हैं ना, वो बुरा आदमी है, समझ में नहीं आता क्या? तेरा सिर। हाँ? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि यही है। भैया। हे प्रभु, इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी तूने? नो नो नो, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगा। हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्पोरेट कंपनी का ओनर एक अनएम्प्लॉयड के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे? वो लड़का कुछ कमाता भी नहीं है, शादी के बाद बीवी का ख्याल कैसे रखेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट है, शादी से पहले आप क्या करते थे? वो अनएम्प्लॉयड। अबे हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग है, छोड़ो उसे। हमारी लव स्टोरी क्यों अलग है? उन्हें अपने प्यार पर अगर भरोसा है तो वो लोग अपनी जिंदगी बना लेंगे। सही कहा, उसके अलावा किसी और से शादी करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी, हमारे प्यार को हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मैं एक माँ बनकर अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज मान जाइए। बच्ची की खुशी के सामने क्या जायदाद क्या पैसा, अब मान भी जा शशि। जब सारे लोग तुम्हारे साथ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। yes, yes, yes. बुरा मत मानिए, सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री डजंट सपोर्ट। बायोलॉजी सपोर्ट करेगा? आप जा चुके हैं सर। सर आई डू अंडरस्टैंड सर। सर मैं भी आप ही की तरह हूँ, बेरोजगार को बिल्कुल इज्जत नहीं देता हूँ। अपनी बेटी की शादी बेरोजगार से बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे विनती है। शादी का रिश्ता जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। जायदाद इम्पोर्टेंट नहीं है, संस्कार इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे को तो बचपन से ही देशभक्ति समाज सेवा बहुत पसंद है। सर एंगेजमेंट कब करनी है? सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। खाइए खाइए। चलो अच्छा है, कम से कम माँ ने तो बचा लिया। चलिए सब लोग खाते हैं। सूर्या कॉफी। वाह, वैसे इतनी डल क्यों लग रही हो? प्रोफेसर का डायलॉग सुनकर इन्फ्लुएंस हो गया क्या? वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम मेरी एंगेजमेंट हो रही है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, और कुछ नहीं। मेरे तो दो हुए हैं, ये तीसरा वाला है। डर लग रहा है? ए, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादुर प्रेमी होते हैं ना, वो हमेशा मस्त रहते हैं। उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूंछ देखे और खुश हो जाए। गले में मंगलसूत्र बांधने वाला लड़का और दिल से चाहने वाली लड़की। आजकल तो जमाना ऐसा है कि लड़की नाराज हो जाए तो सात समंदर पार से भी उठा लाते हैं। तो डरना छोड़ो, ये तो सारी बकवास बातें हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो सात फेरे लेने की डेट फिक्स करते हैं। आ जाओ।
सब में बांट दीजिए। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। खूब तरक्की कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे आप अभी आ रहे हैं? नमस्ते 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 नमस्ते। स्पेशल क्लास था ना इसलिए ये लोग बस जा ही रहे हैं। बस आगे दीजिए तो फिर मिलेंगे। बाय। मैं जरा छोड़ कर आती हूं। हेलो हेलो। अबे कल से हम दोनों को डिक्स मारना है समझा? अरे यार अब गुरु रिसेप्शन में मिलते हैं। चल चल चल। हां इस तरफ इस तरफ। कांग्रेचुलेशंस। हां सर आपके साथ मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं। एम आई अलाउड? इज इट ओके? थैंक यू। आपकी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर ये जिम तैयार करवाकर आपको दिया है। यस आई टोल्ड हर सर को ये सब सूट नहीं करेगा। क्यों फालतू के तुम ये सब कुछ कर रही हो? उसकी समझ में कुछ भी नहीं है। उसे शायद तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। बड़े लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उन लोगों के सामने अपने बेटे का सर झुकना नहीं चाहिए, इसलिए उसने ये सब किया आपके लिए। देखिए सर आप इतने दिनों तक बिना किसी जिम्मेदारी के जीते आए हैं, लेकिन अब तो आप सर थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर पर ओढ़ लीजिए। आपकी जिंदगी में नया कोई आ रहा है, जरा उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए। आई नो पापा, आई नो। इस तरह की बातें आप अपने स्टूडेंट से कीजिए, आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर? एम आई राइट? मैं आपकी भावनाएं अच्छे से समझ सकता हूँ सर। देखिए सर मेरे लिए मेरी पत्नी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है। अगर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकला ना तो मुझे सहन नहीं होगा सर। पापा वो पापा उसके प्यार की बुनियाद पर खड़े इस जिम को अच्छी तरह से चलाइएगा सर प्लीज। किसी भी बात को सीरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सीरियस हो गया। रात को ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी कर रखा था। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे लोकल लीडर। ऐसा सरप्राइज दोगे? अरे सरप्राइज ही नहीं है बेटा, बाहर है सरप्राइज। कांग्रेचुलेशन सोल्जर। कांग्रेचुलेशन नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे बोलना है। हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, आर्मी से लेटर आया है। You are selected for army. आर्मी में? मैंने तो पास होने जैसा कुछ लिखा नहीं था। खुश है ना बेटा? हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। आपको एक शुभ समाचार देना है। कैसा शुभ समाचार? वो क्या है ना, जब से आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। इट्स अ गुड साइन। आर्मी से उसका सिलेक्शन ऑर्डर आया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। शादी की तारीख अगर हम चाहते हैं कि 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। 6 महीने? कोई बात नहीं जी, एंगेजमेंट तो हो ही गई है, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटा तू तो एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है। विजयी बाबा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम मेरे लिए पपी लेकर आई हो। हाँ डर गए? मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। वाओ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने तुम्हें ये पपी क्यों दिया पता है तुम्हें? नहीं पता क्यों? ताकि प्यार के लिए वफादार रहो। हे कांग्रेचुलेशंस, तुम आर्मी में सेलेक्ट हो गए हो ना? बुद्धू 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 हो तुम। अभी अभी तो एंगेजमेंट हुई है, तुम्हारा पति बनने वाला हूँ, जिम ओपन की है, कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़कर कांग्रेचुलेशंस बोल रही हो तुम। कांग्रेचुलेशंस बोल रही हो मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, सीधा अपने बाप के पास जाओ। अरे अरे अरे, अरे, अरे
मेरे होने वाले पति को आर्मी में भेज रहे हैं। कल के दिन अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और तो और इस पपी का क्या हाल होगा? ऐसे जोर से रोते हुए श्रुति के रेंज में आंसू दिखाकर बड़ा सीन क्रिएट कर दो बस। सुनो, मेरा आर्मी जाने का प्रोग्राम कैसे भी कैंसिल कर दो प्लीज, तो इस पपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी खुशी रह जाऊंगा। मुझे डाउट है कि हमारी शादी होगी भी या नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता है? मेरे दादाजी आर्मी में मेजर जनरल बने थे और मेरे पापा महान देशभक्त हैं। भारत माता की जय। आई सी। हमारे घर में अगस्त का महीना आया नहीं कि हर दिन की शुरुआत जनगण मन से ही होती है। जय 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 जय। अगर मिस किया तो उस दिन खाना नहीं मिलता। अगर ऐसे में तुम आर्मी में नहीं गए तो हमारी शादी होगी या नहीं मुझे डाउट है। मोस्टली चांस है कि नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है जानू। सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ी ड्रामेबाज है। ऐसा है तो ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा क्या जानू? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी आना बेटा। मम्मी आखिरी मूवमेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज। माँ कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं करती, ये टाइम जोक करने का नहीं है। इतने सारे लोग तुझे छोड़ने आए हैं, नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा? चल माँ। सुनिए, आशीर्वाद तो दीजिए। क्या आशीर्वाद? हजारों लोगों में 500 लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, 400 लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन डबल दिल रहने वाले मुझ जैसे लोग सोल्जर बनना चाहते हैं। खुश हो जाओ, इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिलाकर खुश कर दो। अच्छे से अपना काम करना और अपना पूरा ख्याल रखना। दूसरे टाटा कर बस हो गया हो गया। हाँ बोलोगे ससुर जी? अरे जीते रहो बेटा, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बॉयज, रेडी हो ना। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे सीधा यहाँ से जंग लड़ने जा रहा हो। पूरी फैमिली लेकर आ गए अपनी विदाई के लिए। अरे हमारी कोई फैमिली नहीं है क्या? ओ बच्चे जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। आप उसे जानते हैं क्या सर? बचपन से ही सोल्जर है, बोल बोल कर पूरे एरिया को परेशान कर रखा था इसने। इसके चक्कर में मैंने अपना एरिया बदल दिया, लगता है इसे पीछा नहीं छूटेगा। क्या है? अरे बॉस, आप है बॉस, मैंने पहचाना नहीं आपको। अभी पहचाना ना? पहचान लिया बॉस, आप दूर खड़े थे ना इसलिए पहचान नहीं पाया बॉस। सफर में जाने से पहले पूरे परिवार का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है बॉस, सफर बहुत अच्छे से गुजरता है। देखो मैं भी अपना पूरा परिवार लेकर आया हूँ, टाइम हो गया बॉस जल्दी चलो। हेलो चलो चलो, ये पकड़। बाय बाय बाय। खाना टाइम से खाना बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बाय।